नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायो गोल में। और आज मैं आपके साथ एस्कॉर्ट लिमिटेड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी दो बार वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियोज़ अगर कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो वीडियोज़ आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो बहुत शॉर्ट भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से डाउ फ्यूचर में गिरावट देखने को मिल रही है, ताकि आप घबराएं ना और यहाँ से एग्जिट ना करें कल के दिन अगर मार्केट नीचे खुलता है तो। इसलिए मैं आपके लिए ये एक न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। उससे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक का आज का ट्रेडिंग सीजन कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज की मार्केट की गिरावट में भी यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है 1,190.15 रुपये पे। प्रीवियस क्लोज था 1,193.70 रुपये का। ओपन हुआ 1,189 रुपये पे। हाई लगाया 1,203.70 रुपये का। लो लगाया 1,184.40 रुपये का। अब देख लेते हैं स्टॉक का 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का 52 वीक हाई 1,468.45 रुपये का, 52 वीक लो है 1,075.45 रुपये का। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसमें काफी अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। अराउंड 42.95% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग आज के दिन स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब आपके साथ वो न्यूज शेयर करता हूं जो स्टॉक से रिलेटेड निकल के आई है, जो कि है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार किसानों को 50% तक सब्सिडी देगी। यानी कि अब जो किसान ट्रैक्टर खरीदेंगे वो उनको 50% के दाम पे मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि इस योजना से किसानों को कितना लाभ होगा, ट्रैक्टर की जो सेल्स होगी उसमें कितना इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे स्टॉक को बिल्कुल भी सेल करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ है सभी ट्रैक्टर कंपनीज के लिए, चाहे वो एस्कॉर्ट लिमिटेड हो, चाहे वो M&M हो, चाहे वो स्वराज हो, सभी कंपनीज को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनसे एग्जिट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बोल देता हूँ कि जो मेरे टारगेट थे एस्कॉर्ट में वो एज इट इज़ इंटैक्ट हैं। शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक में 1300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आपको 1500 से लेकर 1600 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक पर बने रहिएगा, लॉस बुक करके एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। डाउ फ्यूचर से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट पॉजिटिव स्ट्रेंथ पे है, कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में बनाया, ताकि आप लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।